रेही गांव के निवासी मुकेश कुमार अभी इंडिया टीम में उनकर सिलेक्शन भइल बा। जरिए से मन कन रहला जी हम क्रिकेटर बने आ क्रिकेट खेले तो जरिए से पढ़त रहलन आ खेलत रहलन खेलते 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 मैंने यहाँ ले चहूप गए। खुशी के मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें। उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी उसका इंडिया टीम में वनडे के लिए चयन हो जाएगा। मुकेश हमार नाव रोशन करियन उनकर पिताजी कत गई बनी। कितना अच्छा लगी जब मुकेश कुमार के आप टीवी पर देखे तो? बहुत अच्छा लगी, बहुत खुश हुई मैं आज की भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। दुआर पर खेलियन बगौत में खेलियन बहुत गए बरौली जइन बरती ओलीपुर जइन हथुआ जे आ कहीं से अपन जीती है कौन। नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा झलको गोपालगंज में। इस समय हम गोपालगंज जिला के काकरकुंड में मौजूद बनी और यही गांव के निवासी मुकेश कुमार अभी इंडिया टीम में उनकर सिलेक्शन भइल बा और यही वजह से आज उनका हम घर पे पहुँचल बनी, उनका मकान पर पहुँचल बनी और उनका परिवार के लोग से बात कर जाइ कि इतना बढ़न जो सफर बा कितना मुश्किल भरा सफर रहे और कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव भइल बा। तो अभी हमारा साथ है मुकेश कुमार जी के माता जी बानी, यहाँ से बात कर जाइ कि कितना बड़ा खुशी के बात बा कि मुकेश कुमार के जो सफर बा इतना ज्यादा बड़ा मुकाम पे पहुंच चुकल बा। माता जी सबसे पहले आपके बहुत बहुत बधाई। ये बताई कि आपके लड़का शुरू से इतना प्रतिभाशाली रहे हैं? हाँ, जरिए से मन कन रहला जी हम क्रिकेटर बने आ क्रिकेट खेले तो जरिए से पढ़त रहलन आ खेलत रहलन खेलते 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 मैंने यहाँ ले चहूप गए। अच्छा, तो बहुत खुशी के बात बा हमारा, हमार दिल बहुत आनंद बा। हमार लड़का बहुत रोशन करता रहे, बहुत नाम करता रहे। अच्छा, ये बताई अगर अभी उनकर पिताजी रहती तो कितना खुशी होती? बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती। बाकी वहाँ का आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद उनका साथ बाटे, उनका पिताजी बहुत आशीर्वाद देते रहनिया। कहते गल बन जो मुकेश हमार नाव करियन नाव रोशन करियन उनकर पिताजी कहत गल बनी। हाँ जानी बाकी ए बड़ा रहती तो और तो दिल वहाँ के खुशी रही। मुकेश कुमार जी को भाई बहन है वहाँ के? चार बहन। हाँ, आ दो भाई, सबसे लास्ट में ही छोट हूँ लड़का। भाई बहन में सबसे छोट? सबसे छोट हूँ। हाँ, अच्छा ये बताई कि सब कोई कोलकाता में रहते रहा वही जा मिलजुल करके सब उनका खिलावत रहा सब पढ़ावत रहा तो कितना ज़्यादा परेशानी शुरू में भइल हुई? हाँ, माने घर से तो पढ़ लिख के गए माने हम जानता नहीं जी 15 बरस के रहल है तबे गोल बड़े। हाँ, कलकत्ता 14-15 के रहल तबे उनकर पापा बुला ले आ माँ खेल तारे वो 8-9 साल से दुआर पर खेलियन बगौत में खेलियन बहुत गए बरौली जइन बरती ओलीपुर जइन हथुआ जे आ कहीं से अपन जीती है के वहीं हम कहीं से जीती है के वहीं। मुकेश जी से कब बात भर ला आपके? रातिए बहुए बात। अच्छा, मैच खेल के वहाँ के कब घर आए कुछ बताइए जो घर कब आए? अभी टाइम नहीं खे कहत रहे जी टाइम मिली तो खुदे माँ आए हम। हाँ, इस समय मुकेश कुमार जी के चयन जौन बाकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI मैच में भइल बा। अक्सर आपके बता दी कि कोनो भी नया खिलाड़ी के जब डेब्यू करे के मौका मिलला तो ओकर ज़्यादातर प्लेयर के चांस रहला कि ओकर टेस्ट मैच में शुरुआत मिली, लेकिन बहुत अचानक इनका जो सिलेक्शन भइल बा ODI मैच में भइल बा 50 ओवर के गेम में भइल बा, काफ़ी ज़्यादा अचंभव के बात बा और काफ़ी ज़्यादा खुशी के भी बात बा। अभी उनकर शुरुआती कोच और शुरुआती दौर के टीचर उनकर मित्र कह सकत नहीं अमित सिंह जी हमारा साथ बने वहाँ से भी बात कर ली। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको। सर आपको भी धन्यवाद। सर कितनी बड़ी खुशी की बात है मुकेश कुमार का सिलेक्शन हुआ, कितनी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए? यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह बहुत ही गौरवान्वित पल था। जब शाम में यह सूचना मुकेश के द्वारा मुझे मिली तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। खुशी के मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें। उम्मीद ही नहीं थी कि इतना जल्दी उसका इंडिया टीम में वनडे के लिए चयन हो जाएगा। अच्छा कंपटीशन अभी इंडिया टीम में चल रहा है तेज गेंदबाजों का, उमरान मलिक हैं, कुलदीप सेन हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उन लोगों के बीच में यह जगह बनाना बहुत ही गौरव की बात है और मुकेश का मेहनत और लगन इस लायक है और माँ थावेली की कृपा कि मुकेश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। देखा जाए तो मुकेश कुमार जी जब बॉलिंग करते हैं तो किस तरह का बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? इसके अलावा उनका जो स्पीड होता है एवरेज देखा जाए तो कितना के स्पीड में वो बॉलिंग करते हैं? मुकेश दाहिने हाथ के स्विंग गेंदबाज है। 6 तारीख का पहला मैच है, उम्मीद है कि मुकेश उस मैच में प्लेइंग 11 में जगह बनाए और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को आउट कर इंडिया को जीत की एक नई सुगंध दें। सर उनके पिताजी अगर इस समय होते तो कितनी बड़ी खुशी की बात होती? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि पिता एक ऐसा शब्द है कि नहीं रहने पर उस गैप को कोई नहीं भर सकता है। आज वो हम लोग के बीच नहीं है, जहाँ भी होंगे वह भी खुश ही होंगे, वहाँ से भी वो आशीर्वाद ही दिए हैं, उन्हीं का फल है।
माँ थावाली के तो कृपा है ही, लेकिन यह अगर जहाँ भी हैं अब तो हम लोग के बीच नहीं है, वहाँ से भी यह देख रहे होंगे और हम लोगों से ज़्यादा प्रफुल्लित वह महसूस कर रहे होंगे। सर ये जो तीनों मैच है उसके बारे में थोड़ा बता दिए, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा? 6 अक्टूबर को पहला मैच लखनऊ में है, इरकाना स्टेडियम लखनऊ, ऐसे अब उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी हो गया है, डे नाइट मुकाबला है। दूसरा मैच 9 को ध्रुवा स्टेडियम रांची में 9 अक्टूबर को है और अंतिम मुकाबला 11 को फिरोज शाह कोटला, अब उसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में है। अभी उनके चाचा जी हैं, उनके चाचा जी से भी बात किया जाएगा कि इस इतनी बड़ी उपलब्धि पे वो क्या कहते हैं। चाचा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपलब्धि के लिए हम कहेंगे कि बहुत खुश हैं, सब कोई खुश है, अच्छा है, यही नु कहेंगे और खेलने में अपना आगे बढ़ें, देश के नाम रोशन करें, जिला के नाम रोशन करें, तो बहुत खुशी की बात है। सवेरे से कितना ज़्यादा लोग आए हुए रहे? सवेरे से हम जानते हैं कि करीब करीब 1500 आदमी तो आ ही चुके हैं मीडिया वाला लोग। सबसे बात कहीं नहीं आप? सबसे बात होते बा, अभी आते वालों, अभी 2-3 दिन पहले कर। कितना अच्छा लगी जब मुकेश कुमार के आप टीवी पर देखे? तो बहुत अच्छा लगी, बहुत खुश हुई मैं आज की, भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम लोगों को देखने में कितना इंटरेस्ट लगी, बहुत खुश में आज रही है। शुरू शुरू में जब वो क्रिकेट खेल के कहल हुई हैं तो आप लोग इनका अच्छा लागल रहो, वो लोग इन जरूर माना कह लो। अब जैसे देखिए हमने के उनका पिताजी, हम कलकत्ता में रहते थे और 2 आदमी 4 भाई हम लोग, 5 भाई हैं, 4 भाई कलकत्ता में रहते थे, तो यहाँ वो खेलने के टाइम में घर के लोग जो मना उना करता था कि भाई तुम खेलने मन जाओ, झगड़ा फिर हो जाता है, लास्ट में वो मानता नहीं था, खेलता था। खेलने के बाद में कुछ कहीं कहीं से मेडल ले आना शुरू कर दिया चल लोगों का खेला वेला में, तो उसके बाद में जब वो खेलने में अच्छा प्रमोट किया, ये मिल गए अमीर सिंह मिल गए, वो आर के सिंह मिल गए, उनको सहयोग बिहार में दिया लो खेलने के लिए, आज जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम लोग कलकत्ता उसको बुला लिए। कलकत्ता बुलाने के बाद में उसको आदमी पूछा कि भाई तुम पढ़ने में च्वाइस लगेगा कि खेलने में, दोनों में कोई एक चुनना है, तो बोला कि नहीं हम दोनों करेंगे, पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी, है ना। तब उसको आदमी क्या करेगा, वो नाम लिखा दिया कलकत्ता में, कलकत्ता क्लब में नाम लिखा दिया और वो खेलना शुरू किया। खेलना शुरू करने के बाद में आपको वहाँ का कोच थे एक तो वीरेंद्र सिंह नाम का वो कोच थे, वो उसका खेल से वो बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। और उसके बाद में 2-3 साल के बाद में उसको रणजी ट्रॉफी में चयन हो गया, गांगुली का टीम था कलकत्ता का, रणजी ट्रॉफी में चयन हुआ। चयन होने के बाद में वो फिर 2-3 साल खेला, उसके बाद में बेस्ट बॉलर का उसका चुनाव हो गया रणजी ट्रॉफी में, बंगाल टीम में हैं बेस्ट बॉलर का चुनाव हुआ, हेड हो गया। उसके बाद में अपन खेलना शुरू किया, तब यहाँ आया था, आने के बाद में 10-15 दिन रहा, रहने के बाद में जिस दिन गया उसका 2 ही दिन के बाद में उसको आपको मिडिलैंड के खिलाफ उसका खेला शुरू हुआ बंगलौर में, तो हम लोगों को सुन के तो और खुशी हुआ कि भाई इंडिया एक टीम में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में खेल उल के अपना उसमें 5 विकेट लिया भी था हैं, तो सब आदमी खुश था। उसके बाद में फिर अब देखिए न्यूज़ में आ गया कि भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है उसका चयन हो गया। कल फ़ोन किया था, कल बात होती हुई अपना माँ के पास फ़ोन किया था, माँ ने सबको ये बता दिया कि ऐसा ऐसा बाबू का है, तो हम लोग बहुत खुश हुए। अब हम खुश क्या हुआ है, पूरा कांकड़ कुंड है, गाँव का नाम है, जिला है गोपालगंज, बिहार, अब इंडिया के भी नाम रोशन करेंगे, तो हमारा तो यही कहना है कि भाई निधड़क होकर टैलेंट होकर खेलो, कोई पीछे का बैक नहीं सोचना है, अपना आगे जितना बढ़ना है सोचो कि हम आगे और कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमारा साथ है मुकेश कुमार जी के चाचा जी रहनी है, जौन की काफ़ी अच्छा बात कहनी है, मुकेश जी के पूरा जिला भर के लोग के सपोर्ट बाकी आप आगे बढ़ी और जिला के नाम, अपना राज्य के नाम और अपना देश के नाम काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर ले जाई। रउरा ऊपर गोपालगंज के बहुत सारा लोग पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा बा, आवेला जौन 6 तारीख का मुकाबला बा वो में आपके जरूर सिलेक्शन मिले चाहिए, मौका मिले चाहिए, ताकि अपना जिला खातिर और अपना देश खातिर जरूर कुछ कर सकी। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि जिला में या फिर जिला के बाहर जे भी लोग बा सबके पता चले कि गोपालगंज के एक छोटा से गांव से निकल के एक लड़का आज जौन बाकी भारत के इतना बड़ा स्टार बन चुकल बड़े, इतना बड़ा जौन बाकी मीडिया के सुर्खियां बटोर रहल बड़े। आप लोग इन्हें वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।